दिवाली आने वाली है और त्योहारों के आने से पहले ही हम कुछ चीजें बनाकर स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि बाद में उसे तुरंत यूज कर सकें। उसी में से एक है इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसे चाट, दही वड़ा, कचौड़ी वगैरह में यूज किया जाता है, और इसे आप स्टोर करके एक महीने तक आराम से रख सकते हैं। खट्टे मीठे फ्लेवर की ये चटनी बहुत ही काम की है। मैं हूँ रश्मि और कुक योर फूड में आपका स्वागत है। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम इमली, जिसमें बीज नहीं है। मार्केट में इसके पैकेट्स आते हैं जिसके बीज निकले हुए होते हैं, तो मैंने वही वाला पैकेट यूज किया है। इसे एक पैन में डाल दिया है और फिर इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। इसे मिला लेंगे। इमली को हमने पहले से भिगोया नहीं है क्योंकि हम इसकी इंस्टेंट चटनी बना रहे हैं, तो इसे हमें बॉयल करना है जब तक ये पानी में अच्छे से घुल ना जाए। तो इस तरह से बीच बीच में इसको मिलाते रहें। तो देखिए, इमली अब घुलना शुरू हो गया है। इसमें मैंने 1/2 कप पानी और डाला है जिससे कि थोड़ा पतला हो जाए। इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने देंगे जिससे कि इमली बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद एक स्ट्रेनर इस तरह से लगा लेंगे और सारा पल्प इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी के छोटे वाले जार में डालकर एक बार घुमा सकते हैं जिससे कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। उसके बाद इसे स्ट्रेन कर लें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही स्ट्रेन कर रही हूँ क्योंकि ये काफी सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से घुमा करके इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पल्प रह गया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पूरा साफ कर लेंगे। तो इस तरह से इमली वाला पल्प रेडी है। अगर ये ज्यादा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक पैन में डायरेक्टली हम इसको डाल देंगे। तो ये सारा इसमें डाल दिया है। फिर इसमें डाल देंगे 50 ग्राम गुड़। इमली और गुड़ की क्वांटिटी हमने इक्वल रखी है और गुड़ को इस तरह से तोड़ करके डाला है जिससे कि जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसे भी मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसे कुछ देर के लिए पका लेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और ये सारी कुकिंग हमें लो फ्लेम पर ही करनी है। तो गुड़ अब कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है, तो अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 छोटा चम्मच नमक, फिर इसमें जाएगा 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज की है। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच सॉल्ट का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, और इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो उसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें 1/2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। उसके बाद इन मसालों को 2-3 मिनट के लिए कुक कर लेना है, लेकिन इसको ज्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और ये लीजिए, बिल्कुल गाढ़ी खट्टे मीठे फ्लेवर वाली चटनी बनके तैयार है। और इसको बनाने में कोई तामझाम नहीं है, ना इमली को पहले से भिगोना, ना इसका अलग से पल्प निकालना, और स्वाद ऐसा कि 1 चम्मच आप चाट या दही वड़े किसी पे भी डाल दें, स्वाद बहुत ही जबरदस्त आएगा। तो रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कुक योर फूड को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।